गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। सर विलियम्स जोन्स ने संस्कृत कैसे सीखी। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। कुछ शताब्दियों पूर्व तक विदेशी लोग प्राचीन भारतीय विद्वानों की विद्वता से पूर्णतया अपरिचित थे। कुछ यूरोपीय लोगों ने हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत सीखी तो वे संस्कृत ग्रंथों में निहित ज्ञान भंडार को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित इस लेख में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम जोन्स द्वारा अनेक कठिनाइयां उठाकर संस्कृत सीखने का रोचक शैली में वर्णन किया गया। किस प्रकार उन्होंने बहुत कठिनाइयां उठाई और संस्कृत सीखा, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़कर आपके मन में भी प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति आदर के भाव में वृद्धि होगी। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। सर विलियम जोन्स संस्कृत भाषा के बहुत प्रसिद्ध पंडित थे। उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की नींव डाली थी। यद्यपि उनके पहले भी कई यूरोप निवासियों ने इस देश में आकर संस्कृत की थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी, फिर भी सर विलियम की तरह बड़ी बड़ी कठिनाइयों को झेलकर संस्कृत का पूरा ज्ञान और किसी ने प्राप्त नहीं किया था। इनसे पहले किसी ने इतनी अच्छी तरह से संस्कृत का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस सोसाइटी की बदौलत पौर्वात्य यानी पूर्वी देशों से संबंधित भाषाओं के अनेक अलभ्य ग्रंथ आज तक प्रकाशित है, यानी पूर्वी देशों से संबंधित भाषाओं के दुर्लभ ग्रंथ आज तक प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक अश्रुतपूर्व यानी जो पहले कभी नहीं सुना विद्या और कला आदि के विषयों की बातें मालूम हुई। यदि सर विलियम जोन्स संस्कृत सीखकर संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में प्रकाशित न करते तो शायद संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का महत्व यूरोप के विद्वानों को कभी विदित ना होता, और यदि होता भी तो बहुत दिनों के बाद। यानी उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा, समझा और उसके बाद उसको इंग्लिश में पब्लिश किया, तब जाकर वहाँ के विद्वानों को संस्कृत साहित्य के विषय में मालूम हुआ। आइए इस पार्ट में हम पढ़ते हैं कि कैसी कैसी कठिनाइयों को झेलकर सर विलियम ने कलकत्ता में संस्कृत सीखी। क्या हम लोगों में से कोई भी एक ऐसा मनुष्य है जो सर विलियम जैसी आधी कठिनाइयां झेलकर भी संस्कृत सीखने की इच्छा रखता है? कितनी लज्जा, कितने दुख और कितने कष्ट की बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट उठाकर और इतना खर्च करके संस्कृत सीखे और संस्कृत साहित्य के जन्मदाता भारतवासियों के वंशज फारसी और अंग्रेजी शिक्षा के मद में मतवाले होकर यह भी नहीं जानते कि संस्कृत किस नाम का नाम किस चिड़िया का है। यानी हम अपनी ही भाषा को महत्व नहीं देते हैं। संस्कृत जानना तो दूर, हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को भी कितनी बार अच्छे से नहीं जानते। जो लोग जानते हैं उन्हें हिंदी लिखते शर्म आती है। सात समुंदर पार इंग्लैंड वाले यहाँ आते हैं और ना जाने कितना परिश्रम करके और खर्च उठाकर यहाँ की भाषाएं सीखते हैं और हमें अपनी ही भाषा बोलने में और लिखने में शर्म आती है। और इंग्लैंड वाले आते हैं, सीखते हैं और फिर अनेक अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखकर ज्ञान वृद्धि करते हैं और उन्हीं के ग्रंथ पढ़कर हम लोग अपनी भाषा और अपने साहित्य के तत्व ज्ञानी बनते हैं, पर खुद कुछ भी नहीं करते। वो हमारी भाषा को पढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छे अच्छे बुक्स लिखते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। करते हैं तो सिर्फ व्यर्थ कालातिपात यानी व्यर्थ में समय अपना बर्बाद करते हैं। घर में घोर अंधकार है तो उसे दूर नहीं करते। विदेश में जहाँ गैस और बिजली की रोशनी हो रही है चिराग जलाने दौड़ते हैं। सर विलियम जोन्स सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर होकर यानी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के बाद सन 1783 ईस्वी में कलकत्ता आए। यहाँ आकर उन्होंने थोड़ी सी हिंदी सीखी। उसकी मदद से वे अपने नौकरों से बातचीत करने लगे। इसके बाद उन्हें
संस्कृत सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वे एक पंडित की तलाश में लगे। पर पंडित उन्हें कैसे मिल सकता था, आजकल का जमाना तो था नहीं एक भी ब्राह्मण। वेद और शास्त्रों के पवित्र संस्कृत भाषा एक यवन को सिखाने पर राजी नहीं हुआ। कृष्णनगर के महाराजा शिवचंद्र सर विलियम के मित्र थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की पर सब व्यर्थ। यवन को संस्कृत शिक्षा शिव शिव ऐसा बोलते थे वो नहीं देना चाहते थे। सर विलियम ने बहुत बड़ी तनख्वाह का भी लालच दिया पर उनका यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ। लालच के मारे दो एक पंडित सर विलियम के यहाँ पधारे भी और इसका निश्चय करना चाहा कि यदि वे संस्कृत पढ़ाए तो उन्हें क्या तनख्वाह मिलेगी। पर जब यह बात उनके पड़ोसियों ने सुनी तब उनके तलुओं की आग मस्तक तक जा पहुंची, यानी वो बहुत क्रोधित हो उठे कि तुम यवनों के हाथ हमारी परम पवित्र देव यानी देववाणी बेचोगे। उन पंडितों के पड़ोसी बहुत क्रोधित हो उठे कि तुम देववाणी यानी हमारे जो देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है वो तुम इनको दोगे, इन विदेशियों को बताओगे। अच्छी बात है तुम बिरादरी से क्या यह अच्छी बात है तुम बिरादरी से खारिज, तुम्हारा जल ग्रहण बंद, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें बिरादरी से रद्द किया जाएगा और तुम्हारे घर हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, पड़ोसी ऐसा कहने लगते थे। पहले इतना आसान नहीं था संस्कृत सीखना सर विलियम्स के लिए। फिर आगे पढ़ते हम क्या क्या होता है। फिर क्या था, उस पंडित का सारा साहस काफूर हो गया यानी उनकी हिम्मत जवाब दे दी। फिर उन्होंने सर विलियम्स के बंगले के अहाते में कदम नहीं रखा। अब क्या किया जाए, खैर कलकत्ता में ना सही कहीं और कोई पंडित मिल जाए तो अच्छा। यह समझकर सर विलियम संस्कृत के प्रधान पीठ नवद्वीप गए। वहां उन्होंने बहुत कोशिश की परंतु किसी ने भी उन्हें संस्कृत शिक्षा देना अंगीकार ना किया यानी स्वीकार नहीं किया, और मुंह मारकर वहां से भी लौट आए यानी वहां भी वो सिर मारकर व्यर्थ का परिश्रम करके वापस आ गए। इस असफलता और निराशा पर भी सर विलियम्स जोन्स ने रगड़ नहीं छोड़ी यानी मेहनत करना नहीं छोड़ा। पंडित की तलाश में वे बराबर बने ही रहे। अंत में ब्राह्मण तो नहीं वैद्य जाति के एक संस्कृतज्ञ ने 100 रुपये महीने पर इनको पढ़ाना मंजूर किया। संस्कृत को जानने वाले एक वैद्य थे जिसने इन्हें पढ़ाना मंजूर किया। इस पंडित का नाम था राम लोचन कवि भूषण। यह पंडित महाराज संसार में अकेले ही थे, न स्त्री थी न संतति यानी संतान भी नहीं थी। हावड़ा के पास सलकिया में रहते थे, किसी से कुछ सारोकार न रखते थे यानी किसी से कोई इनका लेना देना नहीं था, सबसे अलग रहते थे। इसी से आपको जातीय समाज के बहिष्कार का डर नहीं था। वो अकेले रहते थे इसलिए उन्हें अपने जातीय समाज से बहिष्कार का भी डर नहीं था कि लोग उन्हें बाहर निकाल देंगे अपनी जाति से। पंडित महाशय वैद्य विद्या भी जानते थे, पास पड़ोस के लोग चिकित्सा कराने के लिए इनको अक्सर बुलाते थे, कभी कभी इनके रोगी अच्छे भी हो जाते थे। इससे उन्होंने अपने मन में कहा कि यदि हम इस यवन को संस्कृत पढ़ाएंगे तो भी हमारे टोले मोहल्ले के लोग हमें छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि जब कोई बीमार होगा तो लाचार होकर हमी को बुलाएगा, और तो कोई वैद्य है नहीं यहाँ। इसी से उन्हें सर विलियम जोन्स को पढ़ाने का साहस हुआ। एक तो 100 रुपये महीना तनख्वाह, फिर सलकिया से चौरंगी तक रोज आने जाने के लिए मुफ्त में पालकी की सवारी। याद रहे उस समय पालकी की सवारी के लिए महीने में 30 रुपये से कम खर्च नहीं होते थे। अतः अपना हर तरह से फायदा समझकर रामलोचन ने सर विलियम को पढ़ाने का निश्चय किया। कवि भूषण जी ने सर विलियम जोन्स के साथ बड़ी बड़ी शर्तें की, पर सर विलियम इतने उदार हृदय थे उन्होंने सब शर्तों को मंजूर कर लिया। उनके बंगले के नीचे खंड का एक कमरा पढ़ाने के लिए पसंद किया गया। उसके फर्श में संगमरमर बिछवाया गया, एक हिंदू नौकर रखा गया। उसके सुपुर्द यह काम हुआ यानी उसे यह काम दिया गया कि वह रोज हुगली से जल लाकर कमरे के फर्श को और थोड़ी दूर तक दीवारों को भी धोए। लकड़ी की 2-4 कुर्सियों और लकड़ी की एक मेज के सिवा सब चीजें उस कमरे से हटा दी गई और ये चीजें भी रोज धोई जाने लगी।
शिक्षा दान के लिए सवेरे की वेला नियत हुई, यानी सुबह के समय को निश्चित किया गया। पढ़ने के कमरे में कदम रखने से पहले सर विलियम को हुक्म दिया गया कि एक प्याला चाय के सिवा कुछ ना खाए, उन्हें कुछ खाए या कुछ ना पिए। उन्हें यह मंजूर करना पड़ा क्योंकि कवि भूषण जी की यह आज्ञा थी कि किसी भी प्रकार का मांस मच्छी खाकर वह अंदर नहीं आए, और यह बात सर विलियम ने मानी भी। एक कमरा पंडित जी को कपड़े पहनने के लिए दिया गया, उसके भी रोज धोए जाने की योजना हुई। पंडित महाशय ने दो जोड़े कपड़े रखे, उनमें से एक जोड़ा इस कमरे में रखा गया। प्रातःकाल जिस कपड़े को पहनकर आप साहब के यहाँ आते थे उसे इस कमरे में रख देते थे, और कमरे में रखा हुआ जोड़ा पहनकर आप पढ़ाते थे। चलते समय फिर उसे बदलकर घर वाला जोड़ा पहन लेते थे। यानी इतनी महाभारत के बाद सर विलियम ने रामा रामो रामा शुरू किया। न विलियम संस्कृत जाने, न कवि भूषण महाशय अंग्रेजी, पाठ कैसे चले, आपस में बातचीत कैसे हो। खैर इतनी थी कि साहब थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी बोल लेते थे, उसी की मदद से पाठ आरम्भ हुआ। दोनों ने उसी की शरण ली, क्योंकि आपस में बातचीत करने का तो एक माध्यम चाहिए। सौभाग्य से अध्यापक अध्येता दोनों बुद्धिमान थे, यानी पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही बुद्धिमान थे, नहीं तो इतनी थोड़ी हिंदी से कभी काम नहीं चलता। सर विलियम ने बड़ी मेहनत की, एक ही वर्ष में वह सरल संस्कृत में अपना आशय प्रकट करने लगे। संस्कृत में लिंग भेद और क्रियाओं के रूप बहुत मुश्किल है, बहुत संभव है। पहले पहल सर विलियम ने बहुत सी संज्ञाओं और क्रियाओं के रूप कागज पर लिखे होंगे, उनकी तालिकाएं बनाई होंगी, उन्हीं की मदद से उन्होंने आगे काम निकाला होगा। किसी तरह उन्होंने पंडित रामलोचन से संस्कृत सीखी, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। यदि उनकी पाठ ग्रहण प्रणाली मालूम हो जाती तो उसे जानकर कौतूहल होता। एक दिन सर विलियम जोन्स पंडित महाशय से बात कर रहे थे, बातों बातों में नाटक का जिक्र आया। आपको मालूम हुआ कि संस्कृत पर भी नाटक के ग्रंथ है। उस समय कलकत्ता में अमीर आदमियों के यहाँ नाटक खेले जाते थे, अंग्रेजों का यह बात मालूम थी। पंडित रामलोचन ने कहा कि पुराने जमाने में भी राजाओं और अमीर आदमियों के यहाँ ऐसे ही नाटक हुआ करते थे। यह सुनकर सर विलियम को आश्चर्य हुआ और पंडित रामलोचन से शकुंतला पढ़ने लगे। इस पर आप इतने मुग्ध हुए कि उसका गद्य पद्यम अंग्रेजी अनुवाद आपने कर डाला। यद्यपि अनुवाद अच्छा नहीं बना था, तथापि उसने यूरोप वालों की आंखें खोल दी। उसे पढ़कर लोगों ने पहले पहल जाना कि संस्कृत का साहित्य खूब उन्नत है। जर्मनी का गेटे नामक कवि तो सर विलियम को अनुवाद को पढ़कर अलौकिक आनंद से भर उठा। उसने उसी मत्तता की दशा में शकुंतला की स्तुति में कविता बना डाली। सुनते हैं सर विलियम जोन्स के संस्कृत शिक्षक बड़े तेज मिजाज आदमी थे, यानी बहुत जल्दी उन्हें क्रोध आ जाता था। जो बात सर विलियम की समझ में नहीं आती थी वह गुरु जी से उन्हें पूछनी पड़ती थी। गुरु महाशय ठीक तौर से पढ़ाना न जानते थे, वे सर विलियम को उसी रास्ते ले जाते जिस रास्ते से पाठशालाओं के विद्यार्थी जाते थे। इससे सर विलियम को कभी कभी कोई बात दो तीन बार पूछनी पड़ती थी, और एक बार बताने से उनके ध्यान में नहीं आती थी। ऐसे मौके पर वो हमेशा उनसे क्रोधित हो उठते थे। और उन्हें कहते कि ये विषय बहुत कठिन है, ये आपके समझने आप इसे नहीं समझ सकते। पर सर विलियम जोन्स पंडित महाशय को इतना प्यार करते थे और उन्हें इतना मानते थे कि उनकी इस तरह की डांट फटकार को हंसकर टाल देते थे। पंडित रामलोचन कवि भूषण 1822 ईस्वी तक जीवित रहे। काव्य वे अच्छे विद्वान थे, काव्य नाटक अलंकार और व्याकरण में वे बहुत कुशल थे, पर धर्म शास्त्र और दर्शन में उनकी विशेष गति नहीं थी। इसलिए व्याकरण और काव्य का यथेष्ट अभ्यास कर चुकने पर जब सर विलियम ने धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू किया तब उन्हें एक और पंडित रखना पड़ा। यवनों को संस्कृत सिखाना पहले घोर पाप समझा जाता था, पर अब इस तरह का ख्याल कुछ ढीला पड़ने लगा। इसे सर विलियम को धर्मशास्त्री पंडित ढूंढने में विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ा। सर विलियम जोन्स ने 1783 ईस्वी में जज होकर कलकत्ता आए और 1794 में यहीं मरे।
हिंदुस्तान आने से पहले ऑक्सफोर्ड में उन्होंने फारसी और अरबी सीखी थी। उनका लिखा हुआ फारसी का व्याकरण उत्तम ग्रंथ है, अब नहीं मिलता। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी उन्हीं की कायम की हुई है, उसे चाहिए कि इस व्याकरण को वह फिर से प्रकाशित करे, जिससे सादी और हाफिज यानी फारसी के सादी, फारसी के प्रसिद्ध कवि शेख सादी को कहा गया है, जिनकी लिखी हुई बोस्ता और गुलिस्ता पुस्तकें अत्यंत प्रसिद्ध है, और हाफिज फारसी के विख्यात कवि है। उनकी मनमोहक भाषा सीखने की जिन्हें इच्छा हो वे उससे फायदा उठा सके। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, और आज हम अपनी ही भाषा को महत्व नहीं देते। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तथा शब्दार्थ को याद करेंगे। धन्यवाद।